Hello everyone, welcome back to House of Anabolics. मेरा नाम है रियाज खान and we are back with new video. जैसा कि आप सबको पता है, हमारा डाइट का एक सीरीज चल रहा है, तो उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है. बात करेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, यानी कि जिसके अंदर आते हैं आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स. तो कैसे इनको यूज किया जाता है, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब चीजों के ऊपर बात करेंगे. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर, कि प्रोटीन्स होता क्या है, क्यों चाहिए, क्या काम करता है, हर चीज को कवर करेंगे. गाइस, प्रोटीन तो आप सबको पता होगा, सब लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं. प्रोटीन के कुछ बेसिक्स को जानेंगे हम. पाउडर वाले प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में जो हम किसी भी तरह का प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, चाहे वो खाने से आए, चाहे वो प्रोटीन वे प्रोटीन हो. तो बेसिकली उस प्रोटीन का होता क्या है, वो क्या करता है, कैसे वो काम करता है, उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे. अभी हम बात कर लेते हैं कि बेसिक फायदे क्या हैं प्रोटीन को कंज्यूम करने के, क्या फायदे होते हैं जब आप प्रोटीन को खाते हैं. तो होता क्या है कि जब भी आप प्रोटीन को बॉडी में कंज्यूम करते हैं, तो कि प्रोटीन जो सबसे पहला काम करता है हमारी बॉडी में, वो बनाता है, बिल्ड करता है नए मसल टिश्यूज को. दूसरी ओर वो रिपेयर करता है पुराने मसल टिश्यूज को. साथ ही साथ जो वो काम करता है, वो करता है आपके लिए जो आपके करंट मसल के सेल्स हैं उनको वो रिटेन करता है, यानी कि उनकी रिटेंशन को बढ़ाता है. ये तो हो गया कि प्रोटीन जो काम मसल बिल्डिंग के लिए कर रहा है. बात करते हैं कि प्रोटीन हमें और किन चीजों में मदद करता है इसके अलावा. तो गाइस, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है. इम्यून सिस्टम बूस्टिंग की कैपेबिलिटी होती है प्रोटीन के पास. साथ ही साथ जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, ये टिश्यूज तक ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, यानी कि हमारे जो मसल के टिश्यूज हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है प्रोटीन की हेल्प से. इसके अलावा जो आपके फायदे देता है, ये आपको हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर. जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उसका डाइजेशन ये ठीक से करवाता है, अगर आप प्रोटीन वाला फूड कंज्यूम कर रहे हो. ये तो हो गया कि प्रोटीन के कुछ फायदे. अब जरा हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के पीछे की साइंस क्या है. एक्चुअल में प्रोटीन एब्जॉर्ब कैसे करती है हमारी बॉडी, या प्रोटीन को कैसे हमारी बॉडी कंज्यूम करती है. तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली होता क्या है कि जितना भी आप प्रोटीन आप कंज्यूम करोगे, उसका 90% पार्ट जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर. अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है, तो वो अमीनो एसिड्स जो उसके अंदर से निकले हैं, वो हमारी बॉडी में बने हुए अमीनो एसिड्स के पूल का एक हिस्सा बन जाते हैं जाके. तो जैसे ही आप प्रोटीन कंज्यूम करोगे, बॉडी सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करेगी अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स निकलेंगे, आपकी बॉडी का जो अमीनो एसिड पूल है उसमें जाके वो बाइंड कर लेंगे, सारा प्रोटीन जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा. बेसिकली सारे अमीनो एसिड्स जो है एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर वो आपके मसल्स में और जहां जहां पे प्रोटीन की नीड है, लिगमेंट्स में, टेंडन्स में, हर जगह पे उसकी सप्लाई करेंगे, आपके मसल बॉडी की ग्रोथ करेंगे अमीनो एसिड्स के रूप में. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. तो बेसिकली अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो अमीनो एसिड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. आप 21 अमीनो एसिड्स को एक पर्टिकुलर चेन में आप अरेंज करोगे, तो आपके लिए वो प्रोटीन बन जाएगा. बेसिकली जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है. तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये 21 अमीनो एसिड्स की एक चेन है जो एक सीक्वेंस में अरेंज करी गई है. जब ये कंज्यूम करते हैं तो बॉडी इसको प्रोटीन समझ लेती है. तो जब ये ब्रेक डाउन होता है, तो इसी सीक्वेंस में ब्रेक डाउन होता है, ताकि हमारी बॉडी इसमें से उन अमीनो एसिड्स को अलग करे और अलग अलग जगह पे रखे. तो अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स. तो हमारी बॉडी जो है अमीनो एसिड्स को दो टाइप में सेग्रीगेट करती है, जिसमें पहला टाइप है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरी साइड है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो जो एसेंशियल वाले अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, यानी कि वो 8 पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, वो आते हैं एसेंशियल में. और नॉन एसेंशियल में वो 13 अमीनो एसिड्स आते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद से बना सकती है. ये तो हो गया प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की बात. अब बात करते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए कितना, हाउ मच प्रोटीन वी नीड एक्चुअली. ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो हर किसी के हिसाब से जो इसकी नीड है, प्रोटीन की नीड है, वो बदल जाती है. आप एक एवरेज पर्सन है जो बहुत ही कम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उसके केस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी. वो
वहीं पे अगर आप एक प्रो बॉडी बिल्डर हैं या बहुत अच्छे बड़े एथलीट हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। आप एनाबॉलिक्स ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, आप एनाबॉलिक्स नहीं ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हर केस में प्रोटीन का इंटेक बदलता जाता है अकॉर्डिंग टू योर गोल ऑल्सो। फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं तो हर केस में आपका जो प्रोटीन का जो इनटेक है वो बदलेगा। अगर इस वीडियो में मैं आपको एक स्टैंडर्ड फिगर दे सकता हूँ जिसपे जो बेसिक डाइटिशियंस हैं जिसका यूज करते हैं लोगों की डाइट डिजाइन करने में, तो आप उससे एक एवरेज नंबर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि वो एक अप्रोक्स वैल्यू हो आपके लिए, आपको उसमें उस वैल्यू को बढ़ा के या घटा कर देखना हो कि आप किस अमाउंट ऑफ प्रोटीन से ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको तीन पार्ट में बांट लेते हैं, एक एवरेज पर्सन, एक वो पर्सन जिसे मसल बिल्ड करना है और एक वो पर्सन जिसे बॉडी का फैट लूज करना है यानी कि फैट ड्रॉप करना है बॉडी का। तो तीन तरह के गोल्स होते हैं प्रोटीन को लेके। तो यहाँ पे हम बात करें एवरेज पर्सन की तो 0.5 ग्राम से लेके 0.7 ग्राम तक पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट एक एवरेज पर्सन कंज्यूम कर सकता है। ये सुनने में नंबर बहुत कम है मगर जब वो डेली मरा में अपने इसको कंज्यूम करेगा तो वो अच्छा फील करेगा, अच्छा हेल्दी फील करेगा। ये नंबर सिर्फ एक अप्रोक्स वैल्यू है, इसको आप एकदम करेक्ट नहीं मान सकते हैं, ये नंबर वेरी भी कर सकता है यानी कि आपकी हो सकता है कि आपकी हाइट वेट और उसके हिसाब से आपके लिए नंबर चेंज हो जाए। फिर और वो लोग आते हैं जो लोग मसल गेन कर रहे हैं या बॉडी बिल्ड कर रहे हैं अपनी, उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 1.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक चली जाती है। ये वो लोग हैं जो एनाबॉलिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं कि उनकी बॉडी जो प्रोटीन सिंथेसिस को उतना ज्यादा नहीं कर सकती है, तो इसीलिए उनको जो प्रोटीन इनटेक है जो नॉर्मल लोग हैं जो बिना एनाबॉलिक्स के मसल बिल्डिंग करते हैं उनके लिए इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन ठीक रहता है। अगेन ये अमाउंट आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हल्का सा बढ़ा के या हल्का सा कम करके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट जा रहा है तो उससे आप आगे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरी ओर वो लोग आते हैं जिनको बॉडी का वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। तो देखा गया है कि जिनका ये रेशो आता है जिनको बॉडी का फैट लॉस या वेट लॉस करना है उनके लिए भी ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो वैल्यू जो है एक मसल गेन वाले के लिए काम कर रही है वही सेम वैल्यू जो है एक वेट लॉस वाले के बंदे के लिए भी काम करती है, वो सेम वैल्यू पे वेट लॉस कर सकता है। अब बात आती है उन लोगों की जो सुपर ह्यूमंस है यानी कि जो एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नंबर कहीं ज्यादा तक हो सकता है। ये एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हैं वो 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन को लेकर चले जा सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस बहुत हाई होता है तो वो इससे ज्यादा अमाउंट प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकती है उनकी बॉडी। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फैट्स के ऊपर कि कैसे फैट्स काम करते हैं, क्या होते हैं, कितनी उनकी हमें जरूरत होती है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय योर फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।